तो क्वेश्चन क्या है, किस पोर्टल के 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2020 में महामारी में नवाचारी श्रेणी के तहत प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है। याद देखिए महामारी में नवाचार श्रेणी के तहत प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया है। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, सोच लिया आपने, चेक किया जाए आंसर, किया जाए आंसर। चलो, तो ई संजीवनी, या देखो ई संजीवनी। ठीक है, आप देखोगे कि 30 दिसंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आभासी पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2020 में सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आभासी पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, अभी तो जो है महामारी के कारण सब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो चल रहा है, के माध्यम से 6 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2020 से सम्मानित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने ऑनलाइन पुरस्कारों का आयोजन किया और यह द्विवार्षिक पुरस्कार है। याद रखेंगे, ठीक है। DIA 2020 में नई दो श्रेणियों का नाम दिया गया महामारी में नवाचार श्रेणी और अनुकरणीय उत्पाद श्रेणी देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसा आप देख सकते हो महाचारी में, देखिए बात समझ में आई क्या कहें, दो श्रेणियों का नाम दिया गया, महामारी में नवाचार श्रेणी और अनुकरणीय उत्पाद। अब देखो महामारी में नवाचार, इसमें आप देखोगे ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सर्विस, विजेता COVID-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं बहुत सारे लिस्ट आप लोग को। ठीक है, और जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, डिजिटल गवर्नमेंस में उत्कृष्टता राज केंद्र शासित प्रदेश कौन, हरियाणा, राज्य में तमिलनाडु। डिजिटल गवर्नेंस जिले में उत्कृष्टता कौन, मध्य प्रदेश का खरगोन। ठीक है, और उसके बाद देखोगे अरुणाचल प्रदेश, विजेता कौन होगा, विजेता कौन होगा। तो इस तरह से एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसमें हमने चर्चा कर लिया। क्या चर्चा करें कि महामारी में नवाचार श्रेणी के तहत प्लेटिनम आयकन पुरस्कार जीता। ठीक है, तो किस पोर्टल ने जीता, तो ई संजीवनी ने प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता, इसके द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट।